देखा आपने क्यों मैं इसे असुर कह रहा था, क्यों मैं इसे सुरसा का मुख कह रहा था? अब समझ में आया जब मैं आपसे कहता हूं जिद क्रोध और एकाग्रता पर बच्चों को खामोखा डांटिए मारिए मत, परेशान मत होइए। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि मैं जो चीजें बटोर कर लाया हूं इस संस्कृति और परंपरा से, उनको आप रोज देखिए सुनिए और कहीं लिख के रख लीजिए, गाय बगाए काम आएगी, आपके आएगी, लोगों के काम आएगी आपके माध्यम से। सोच सकते हैं क्रोध आया कारण क्या निकला, एकाग्रता नहीं हो रही कारण क्या निकला, जिद्दी बहुत है कारण क्या निकला। ये बच्चों नहीं बड़ों में भी समस्या हो सकती है, इसके हल भी मैं अपनी तरह से बताऊंगा, चिकित्सीय सलाह भी आप लीजिएगा। लेकिन वही फिलहाल मेष वृषभ मिथुन और कर्क का हल जान लेते हैं। मेष राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, यात्रा लाभकारी रहेगी, सावधानी अनुचरों से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है, धार्मिक स्थल पर श्रम का दान कीजिए इस दिन। वृषभ राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि होगी, सफलता के योग बन रहे हैं, सावधानी क्या रखनी है, गुरु और संतों के प्रति आदर भाव रखें। उपाय क्या करेंगे, इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, काम पर चलिए। मिथुन राशि, आज आलस्य से घिरे रह सकते हैं और शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिन सामान्य है, एक सावधानी बहुत आवश्यक है, सरकारी कार्यों में इस दिन नहीं उलझिएगा। उपाय क्या करेंगे, गणेश जी को दुर्वा भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्य में अवरोध रह सकता है और अस्वस्थ महसूस करेंगे, एक सावधानी आवश्यक है, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। उपाय, गुनगुना जल अधिक पिए इस दिन और माता जी की सेवा करें। अब आप कारण और निवारण समझना शुरू कीजिए, देखिए महत्वपूर्ण बात है, इसका अनुपालन कर लीजिए। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसमें विटामिन डी की कमी होगी, सनातन परंपरा में सूर्य को जो देव माना गया है उसके ठोस वैज्ञानिक आधार हैं। डिपार्टमेंट ऑफ विटामिन डी एक बहुत अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में है, वहां पर भारत की इस परंपरा से उसका प्रिल्यूड शुरू होता है, भारत में सूर्य की पूजा का विधान है, ये कारण। यदि आपका सूर्य कमजोर है आपका कैल्शियम पचेगा ही नहीं क्योंकि विटामिन डी आपके अंदर नहीं है, और इसीलिए सारे ऋषि मुनि कहते हैं सुबह उठो सूर्य के सामने बैठ जाओ, ताकत दिमाग इसलिए अच्छा होता है। सूर्य कमजोर है तो शनि राहु केतु से आप प्रभावित होंगे, जिंदगी नरक बनेगी। आपका सूर्य विटामिन डी की कमी करेगा करेगा, विटामिन डी की कमी से वो सारी बीमारियां होंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गुरु ज्ञान में बताई। सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल बता देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा, सावधानी क्या करनी है, वृद्धजनों की बुराई मत कीजिएगा। उपाय, अनुलोम विलोम करें, काम पर चलिए, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी तथा ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा, लाभ में है इस दिन आप, सावधानी क्या रखनी है, अग्नि और बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता बनाकर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, गुड़ की गजक का दान कीजिए या गुड़ का दान कर दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, युवा वर्ग भावनाओं में नहीं बहे, मन में मलिनता आ सकती है, काम में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता भंग हो सकती है, लिहाजा कामयाबी नहीं मिलेगी, झगड़ा और हो जाएगा, सावधानी विपरीत लिंगियों से दूरी बना के रखें, लड़के लड़की थोड़ा डिस्टेंस पे रहे और बहुत मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, जीवन साथी को उपहार भेंट करें, नहीं उपहार दे सकते ना अभी, चाय पिला दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा।